हम कैसे जाएंगे ये कीचड़ बड़ी मुश्किल लग रही है आज जाने के लिए मुझे वरना ये तो ड्राई होती है बिल्कुल मैं हैरत हो रही है मुझे कि ये पानी एक हफ्ते में हम इसको इस जगह पर से छोड़ेंगे ये सामने चला जाएगा इनके पास हम जहाँ भी ये बैठे हैं ना यहाँ तक तो मैं वॉक करके गया हूँ पिछले हफ्ते को जहाँ ये बैठे हुए हैं यहाँ खड़ा हुआ था मैं जहाँ इस पर ये बैठे हुए गाड़ी हमने बताता हूँ यहाँ रोकनी है नहीं नहीं जाने और करीब हम जाए और करीब ये तो बहुत दूर है इतनी दूर से नहीं उड़ता है तीन चार और बैठे हुए इधर भी बैठे हुए ये नहीं है अब हम यहाँ वहाँ पर रुकते हैं ठीक है और इसको यहीं छोड़ने की इसको यहीं छोड़ ये चला जाएगा बस ये समझे इसका इंस्टिंक्ट जो है ना इसकी नज़र बहुत तेज होती है तेज होती है और हम गाड़ी को इस तरफ इसका शक्ल करते हैं फेस साइड में उस जगह और तो और आगे भी जा सकते हैं हम अपना नहीं बस आगे हम नहीं जा रहे हैं ठीक है हम नहीं उड़ेंगे हाँ मकसद है जी ये तो बैठ ये बैठ बस इसे आगे आप मत जाए फिसलना है ना ये सब हाँ हल्दा हलो वापसी हाँ हाँ ओ थे हल्दाल गुलिस्तान जौहर के इलाके से ये किसी आदमी के पोजीशन से लिया गया पेलिकन जिसको आज हम रिहैबिलिटेशन के बाद रिलीज़ कर रहे हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर पेलिकन मौजूद भी हैं सो वी आर होपिंग फॉर इट्स सेफर रिलीज़ तो ये पेलिकनडी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक बर्ड है हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो 30 मिलियन साल पुरानी बैक अगर जाएंगे तो ट्रेस मिलते हैं इनके फोर फादर से जब लॉन्ग बीक्ड बर्ड्स होते थे डायनासोर्स के एज में और यू कैन सी नाउ इट्स नियर टू रिलीज मेरे छे उसने बस हाँ ओने ओने थोड़ा अगते बनी अगते बनी हाँ हाँ मीरा बस छे इतने इतने छे आने इतने छे मीरा इतने इतने छे उस शायद इसको यकीन नहीं आ रहा कि मैं वाइल्ड में वापस आ गया हूँ रिस्पांस क्या था इसका जब आपने छोड़ा इसको वैसे सर ये एक्चुअली रिचार्ज कर रहा है खुद को माहौल में हाँ क्योंकि इनको काफ़ी दिन हुए हैं ना पकड़े हुए हाँ तो लोगों ने इसको इसी वजह से रखा था इलीगल पोजीशन में तो जाहिर है वो ऑड कंडीशंस में था हमने इसको खुला रखा था तकरीबन 15 से 20 दिन मूव कर रहा था पर खोल रहा था जैसे अभी और फिर ये टेक ऑफ करने की कोशिश भी कर रहा है करेगा बिल्कुल हाँ, जैसे इनको धूप हाँ, लगेगी और माहौल में हाँ, खुद को ये सेट करेगा ना सर हाँ तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा तो अब देखो पर अपने खोल रहा हाँ, है हाँ बिल्कुल हाँ, अभी वो हाँ, इसको पूरा माहौल जो है अभी इनको सर्वाइव करेगा इसको मूव करना चाहिए ये एक जगह खड़ा क्यों हो गया है सर इसको ये काफ़ी दिनों से एक थकावट है क्योंकि इन ये अपनी नेचुरली फील्ड में नहीं था ना नहीं था नहीं अभी नेचुरली फील्ड की वजह से ये अभी आया है अभी इनके इनको पानी लगेगा खुद को ये आस्ता आस्ता
अपसेट करेगा आपके। जी बिल्कुल। और जब हम इनसे दूर होंगे तो इनके जो अपने रिश्तेदार हैं और पेलिकन वो भी आ जाएंगे। मेरा ख्याल है एक दफ़ा आप इसके पास जाएं, क्या ख्याल है कि ये भागता है या नहीं भागता? सर इसको अभी नहीं, ये अभी पूरा ये एरिया को जो है वो जज कर रहा है, जज कर रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे इधर बैठना है। तो इसी वजह से इसे वो सारी चीज़ें भूली हुई होंगी ना, कर रहा है। हाँ, सेट कर रहा है बिल्कुल। ये इसने पर खोल लिए हैं अपने, क्योंकि परिंदों को या जानवरों को एक तो स्माइल होती है, जैसे हम एंट्री हुए यहाँ पे तो ये फील कर रहा था गाड़ी में भी कि मुझे अभी नेचर की तरफ में गया हूँ। क्योंकि उनको जो पेलिकन बैठे हुए थे उनकी स्माइल भी आ रही थी और समंदर की एक्टिव हो रहा था। ये एक्टिव हो रहा था। आपका क्या रीडिंग है कि इतना तो टाइम लगता है कि वो अपनी बिहेव करे? और बट ही इज वेरी वल्नरेबल, ही इज वेरी वल्नरेबल। उसको पता नहीं उसके साथ उसके पीछे ही है वो, उनको जैसे ही नजदीक आएंगे ना तो ये बिल्कुल शायद वो उड़ के इधर आ जाएं। हाँ वो आ जाएंगे ना, इनको देखेंगे वो आएंगे ना। हाँ बिल्कुल आएंगे। अच्छा बिल्कुल आएंगे। तो आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली पेलिकन फैमिली पर बात हो रही थी, ये पेलिकनडी फैमिली से इसका ताल्लुक है और पेलिकनडी फैमिली बर्ड्स की वो फैमिली है जिसमें बहुत बड़े बर्ड्स होते हैं और जिनकी लंबी बीक होती है और जिसके साथ इनका एक पाउच होता है। ये फिश के ऊपर इनका फूड के लिए रिलायंस होता है और साथ में जब ये अपने बीक के साथ ये पानी में डालते हैं तो उसमें फिश, छोटी फिश या अदरवाइज जितने सी के वो इनके फीड हैं वो आ जाते हैं और वो ये फिर पानी वापस कर देता है अपने बीक में से और बाकी इंटेक कर लेता है। तो इसका नॉर्मली जो इसका वेट वो था डेली फूड रिक्वायरमेंट अप टू 1.5 kg टू 1.8 kg। पहले कैनेडी फैमिली का जैसे मैं बता रहा था, इसका हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे ट्रेसेस तो 30 million ईयर्स बैक हमें ट्रेस मिलते हैं जब डायनासोर्स इस धरती पर होते थे। तो पेलिकनडी फैमिली के जो एंसेस्टर्स थे वो बिल्कुल इन्हीं की तरह होते थे और लेकिन वो उड़ते थे। डायनासोर्स तो अर्थ मूविंग एनिमल्स थे, उनके कंपेनियन जो थे उस वक्त बर्ड्स में या इनके एंसेस्टर्स हम कह लें वो बहुत बड़े साइज़ के होते थे और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा इनका तो ये साइज़ में सुकड़ते गए और आज इनमें से जो सबसे बड़ी पेलिकनडी फैमिली के बर्ड्स हैं वो ये पेलिकन्स हैं। इसको रिकवर किया गया था गुलिस्तान जौहर में, किसी आदमी के ये लीगल पोजीशन में था कोई याद से 20 दिन पहले, देन इसको सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अपने पोजीशन में ले आया। इसका 15 दिन तक रिहेबिलिटेशन किया, इसको खुला रखा और ताकि ये अपने आप को एडजस्ट कर पाए। वहाँ पर बड़े इनह्यूमन कंडीशंस में इसको रखा हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ था। सो अब हम देख सकते हैं कि ये अपने पर भी खोल रहा है और माहौल के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये अपने माहौल में है, इसको जाना चाहिए था। अब इस पर वो इंसानी सोहबत का असर, उनके करीब रहने का वो डर एक, और अपने माहौल को अडॉप्ट करने का इट मे टेक सम टाइम। पेलिकन को अपने पास पोजीशन में रखना ये एक जुर्म है और किसी भी अगर ये लीगल पोजीशन में किसी के है तो उसके ऊपर चार्जेस आयद हो सकते हैं जो कि जुर्माने और कैद की सूरत में आ सकते हैं। सिमिलरली जो एक मिसकंसेप्शन इसके बारे में है मीर साहब, देर इज़ अ मिसकंसेप्शन अबाउट दिस के लोग इसको अपने पास रखते हैं और इसको
इसका ट्रैप करते हैं, इसकी पोचिंग करते हैं फॉर द सेक ऑफ इसका ऑयल हासिल करने के लिए। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसका ऑयल, इसकी चर्बी वो जोड़ों के दर्द में कोई मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है। इस वजह से इस बर्ड को काफ़ी ख़तरा लाक हैं कि लोग इसको इसकी चर्बी हासिल करने के लिए पकड़ते हैं। सिमिलरली इसके अपने पास रखने की बात हो रही थी, तो इसको अपने पोजीशन में कोई आदमी नहीं रख सकता, ये एक जुर्म है सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत। किसी भी वाइल्ड बर्ड को अपने पोजीशन में रखना एक जुर्म है। इस बात में ऐड करूं कि ये हमें अभी डॉक्टरों को और अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि लोग जो लोगों को हकीम बता रहे हैं हाँ कि इनके आयल में या इनकी जो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करने से कोई जोड़ों में ताकत आती है या उसमें दर्द छोड़ जाता है हाँ। कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल। मसला ये है कि सर ये जो जितने भी बर्ड्स या एनिमल्स हैं सर उनकी फीडिंग या उनमें स्टेमिना इतनी होती है उड़ने के लिए और कुदरती उसको ज़रूरत होती है हाँ। मगर इंसानी शफा के लिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है हाँ, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि इससे लोगों को डिजीज़ ना हो जाए कोई हाँ एग्जैक्टली अगर वो क्योंकि बॉडी सक करती है सर सक करने की वजह से कोई ऐसी चीज़ें काफ़ी होती हैं जो बॉडी में चली जाती हैं क्योंकि वाइल्ड ये कोई एनालिसिस तो नहीं होता है इसका कि एनालिसिस करके इनको उनको लगाए जाते हैं इसकी खाली चर्बी निकाल के या ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो इसी वजह से लोगों को ये बताना चाहिए कि आपकी बॉडी पे लगने से इससे कोई डिजीज़ भी लग सकती है बाहर का कोई जरासीम जो है वो आपके जिस्म में जा सकता है और वो इन्फेक्शन खुदा न खास्ता कर लाए हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है देहातों में तो ये टोटके की वजह से मरीज बन गए हैं लोग जो मेडिसिन में या किसी और चीज़ में इनको शफा मिलती है वो इसी वजह से खुद को काफ़ी बेचारे वो उसको डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि ये ऐसे ही सोनारी ख्वाब दिखाते हैं हकीम लोग उनको कि भाई इनका ये आयल लगाएं इनकी ये खाल बांधें या कोई करें। तो जैसे लोगों को पुराने ज़माने में जैसी भेड़िया की खाल भाई भेड़िया की खाल बांधेंगे तो जिन वगैरह भूत वगैरह नहीं आएगा। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार एक कुत्ता है डॉग है भेड़िया की क्यों आम किसी डॉग की आप वो खाल बांधें तो उस पर भी नहीं आएगा अगर आपका अकीदा है तो वो तो एक वाइल्ड डॉग है डॉग फैमिली का है। तो लोगों को सर वो ऐसी इसमें दिमाग में जो बात डाल दी है ना लोगों ने तो ये बिल्कुल ख़राब है और ये एक्चुअली ये सोशल बिलीफ होते हैं जो कि एक मिसकंसेप्शन सदियों से लोगों के जहनों में आ रहे हैं कि जी फलां टोटका, लेकिन साइंटिफिकली एक प्रूवन फैक्ट है कि ये टोटके कारामद साबित नहीं हुए उल्टा कई केसेस में नुकसानदा साबित हो गए हैं। सर मसला ये है कि वो तो जो ज़माना था तो एक कम्युनिकेशन नहीं थी दुनिया की रिसर्च नहीं हुई थी हाँ। अभी लेब आ गए हैं अभी हमें इंटरनेट का सहूलत है पूरी दुनिया एक हमारे एक मोबाइल में है तो लोग कम से कम ये तो देखें सर अगर आप हम मिनरल वाटर क्यों पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसी वजह से कि वो उससे अगर ये उसमें इतनी छोटी बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे स्टमक को या किसी को डिस्टर्ब करती हैं तो ये तो पानी पहले भी था वो लोगों को पता नहीं था खुले में होते थे डायरिया होती थी हर चीज़ें आप किसी ज़माने में देखते थे कि कुओं में वो मलेरिया के वो टैबलेट्स वगैरह डालते थे लोग और उसके टीके वगैरह लगाते थे। अभी तो सर एक दुनिया एक छोटे से मोबाइल में आ गई है अब वो तो हर एक की मजीद आसानी हो गई है चीज़ों को समझने में एग्जैक्टली तो अभी इनसे दूर होना चाहिए हाँ इनसे दूर होना चाहिए अभी। और जो वाइल्ड लाइफ हो या एक फाना और फ्लोरा दोनों को काफ़ी थ्रेट्स हैं और थ्रेट्स हम उनको दे रहे हैं बहुत सारे थ्रेट्स ऐसे हैं जो कि मिसकंसेप्शन और हमारी रॉन्ग परसेप्शन की वजह से बिल्कुल यही वो थ्रेट्स यही है यही सर।
well, आपने देखा कि ये हमने मुख्तलिफ जगहों पे इसको छोड़ के देखा लेकिन ये फिर वापस आ जाता है इंसान के पास. तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि व्हाट कैप्टिविटी मेक्स अ वाइल्ड इट टर्न्स इनटू अ डोमेस्टिक वन. तो अब हम इसको वंस अगेन इसको हॉलेजी पर ले जाएंगे. सैटरडे को हम वहाँ उसका बिहेवियर नोट करेंगे. वो प्रोटेक्टेड जगह है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, यहाँ ये वल्नरेबल है.